राधे राधे सभी को। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बाफला और आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए बाफला को कट कर लिया हमने, धो लिया है और आलू भी कट कर लिए, छील लिए हमने, धो लिए हैं। और यहाँ देखिए हमने दो टुकड़े कच्ची हल्दी के ले लिए हैं और कढ़ाई में ऑल करके हींग जीरा डाल करके और हमने प्याज और टमाटर को पीस लिया है और कड़ी पत्ता डाले हैं और चार हरी मिर्ची डाली है। और जो हमारी कच्ची हल्दी है ये, इसे हम इसी में कद्दूकस कर लेंगे कढ़ाई में। तो देखिए हल्दी को हमने कद्दूकस कर लिया है इसमें, क्योंकि बच्चे कच्ची हल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं और किसी भी तरह उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलानी भी पड़ती हैं। हल्दी वाला दूध भी नहीं पसंद करते हैं वो। तो मैं इस तरीके से देखिए सब्ज़ी में कद्दूकस करके डाल देती हूँ तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसमें कच्ची हल्दी पड़ी है। और फ़ायदा भी करती है ये, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें बाफला और आलू डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक और लाल मिर्ची हम थोड़ी भी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच और मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है, मसाला हमारा बन करके रेडी है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और मिक्स करके ऐसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा आधा गिलास पानी करके इसे ढककर रख देंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, हेल्दी भी होती है। अभी मार्च चल रहा है तो इस सीज़न में बाफले भी फली आ रही हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हेल्दी भी होती है ये। सीज़न के अनुसार आपको सब्ज़ी खानी चाहिए और हल्दी भी ज़रूर खाएं आप कच्ची, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसे सही रखती है ये और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है। और जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये कच्ची हल्दी। तो आप ज़रूर इस तरीके से आप सब्ज़ी में डाल करके खिला सकते हैं अपने घर वालों को। हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिलाएं, आजकल बीमारियां बहुत पड़ रही हैं। बार बार मैं बोलूँगी आपसे कि आप अपनी फैमिली का, बच्चों का जरूर ध्यान रखें और उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलाएं, बाहर की चीज़ें कम खिलाएं। आज आपकी एक लापरवाही आपके परिवार को बीमारियों से बचा नहीं सकती है, इसीलिए आप लापरवाही ना करें और अभी से उनका ख्याल रखें, जिससे कि आपको आगे चल कर के दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं हींग भूल गई थी, थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग बहुत ही ज़रूरी है, ये भी हमारे जो पेट को सही करती है, तो हींग भी ज़रूर आप यूज़ करें। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनने वाली है, अभी थोड़ा सा पानी रह गया है इसमें और हम देखते हैं आलू हमारे हो चुके हैं। गैस को हम तेज़ कर देंगे और पानी को इस तरीके से जला देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो आपको। और सब्ज़ी हमारी 5 मिनट बाद बन के तर के रेडी है। और हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे इसे। देखिए सब्ज़ी हमारी बनने वाली है और हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे किचन किंग मसाला। और देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि जो मेरे मसाले होते हैं, क्योंकि आजकल मसाले किचन में बहुत सारे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमें तब भी ध्यान रहे अगर और कोई भी किचन में काम करे तो, उसके लिए हम क्या करते हैं जो उसका
टैग होता है मसाले का, वो हम उसमें डाल देते हैं, तो उससे ना कन्फ्यूजन नहीं रहता है और आसानी से समझ सकते हैं कि ये मसाला किसका है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी स्विच में गर्म चलाएँ, नहीं तो सब्ज़ी आपकी लग जाएगी। दो तीन बार देख लें सब्ज़ी को और उलट पुलट करते रहेंगे तो उससे ना सब्ज़ी हमारी चारों तरफ से अच्छे से आलू और जो हरी सब्ज़ी होती है पक जाती है। तो उलट पुलट करते रहें दो तीन बार बीच में, तो राधे राधे सभी को। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी।